Hello students, today we will discuss the stanza-wise summary of the poem Children's Song. This poem is written by Joseph Rudyard Kipling, J.R. Kipling or Joseph Rudyard Kipling. So, stanza number one, what is there in stanza number one? The children of the nation invoke or address their motherland. इस पोएम में चिल्ड्रन सॉन्ग नेम से ही क्लियर है कि चिल्ड्रन एक सॉन्ग गा रहे हैं और वो अपनी मदरलैंड की प्रेज में सॉन्ग गा रहे हैं और ये चिल्ड्रन जोसेफ रुडियार्ड किपलिंग की पोएम में जो चिल्ड्रन हैं ये किसी भी कंट्री के चिल्ड्रन हो सकते हैं ओके तो एक यूनिवर्सल अपील है इस पोएम की और इसमें चिल्ड्रन जो हैं देश के बच्चे एक सॉन्ग एक प्रेयर गा रहे हैं जो अपनी मातृभूमि को और भगवान को समर्पित है The children of the nation invoke their motherland. First stanza में अपनी motherland को पुकारते हैं अपनी motherland को संबोधित करते हैं and pledge और ये promise करते हैं that they will love their motherland and work hard for her when they grow up and become responsible. कि जब वो बड़े हो जाएंगे और responsible जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे अपने देश के तो वो अपनी motherland से प्यार करेंगे और अपनी motherland के लिए hard work करेंगे Stanza number two, the children invoke God and request Him to keep them, to help them when they need. Second stanza में जो children हैं वो invoke करते हैं motherland को और motherland को पुकारते हुए request, God को second stanza में, first stanza में motherland को invoke करते हैं, second stanza में God को, भगवान को पुकारते हैं और request करते हैं हिम यहाँ गॉड के लिए एच कैपिटल लिखा है हिम उनको रिक्वेस्ट करते हैं गॉड को ओके तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में विद हिज हेल्प ये हिज जो है एच कैपिटल है दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड हिम एंड हिज दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर गॉड तो कैपिटल लेटर जैसे गॉड में जी कैपिटल लिखते हैं ऐसे ही इनमें प्रोनाउंस में एच और एच कैपिटल लिखा जाता है द चिल्ड्रन इनवोक गॉड भगवान को पुकारते हैं एंड रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प देम When they need, कि जब भी उनको need हो, ज़रूरत पड़े, भगवान उनकी help करे. With his help, they want to build their heritage pure and undefiled. भगवान की help के साथ, भगवान की मदद से, वो अपने heritage को, अपनी धरोहर को, जो वो धन संपदा, धरोहर, जो भी अगली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे, वो उसको pure और undefiled बनाए रखना चाहते हैं दे वॉन्ट टू बिल्ड देयर हेरिटेज प्योर एंड अनडिफाइल्ड पवित्र रखना चाहते हैं बिना किसी इम्प्योरिटीज़ के और अनडिफाइल्ड उसमें कोई भी इम्परफेक्शंस ना हो कोई भी उसमें पोल्यूशन या कोई भी इस तरह की इम्प्योरिटीज़ ना हो डिफाइल होता है रूप बिगाड़ना defile डिफाइल ओके तो अनडिफाइल्ड जिसका रूप बिगड़ा ना हो सही बिल्कुल उचित तरीके से वो उसको रखना चाहते हैं अपनी हेरिटेज को अपने जो धन संपदा या जो भी रिसोर्सेज हैं यहाँ पर हेरिटेज हमारे रिसोर्सेज के लिए यूज़ होता है हमारे वाटर रिसोर्सेज हो सकते हैं एयर हो सकती है स्काई हो सकता है हमारी लैंड हो सकती है सॉइल हो सकती है ओके ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं हमारे जंगल्स हो सकते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे हेरिटेज होती हैं और चिल्ड्रन ये चाहते हैं कि वो इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए भी इनको प्योर बनाए रखें इनका रूप ना बिगाड़ें और आने वाले जनरेशन्स के लिए अपने रिसोर्सेज को बचा के रखें और ये प्योर और अनडिफाइल्ड हेरिटेज उनको सौंप कर जाएं तो चिल्ड्रन गॉड को इन्वोक करते हैं कि वो उनको हेल्प करे जब भी उनको ज़रूरत हो और गॉड की हेल्प से वो अपने हेरिटेज को प्योर और अनडिफाइल्ड रखना चाहते हैं इज़ इट क्लियर Now, stanza number three. The children want to learn and be able to take responsibilities at an early age. Children चाहते हैं कि वो एक early age पे ही, early stage of life, जीवन में जल्दी ही responsibilities लेना और responsibilities को समझना. They want to learn and be able to take responsibilities. जिम्मेदारियाँ सीखना चाहते हैं और जिम्मेदारियाँ संभालना चाहते हैं वो भी early stage of life पर जीवन में बहुत ही जल्दी बचपन में ही जिम्मेदार नागरिकों की तरह behave करना चाहते हैं
दे वॉन्ट टू लर्न द वैल्यू ऑफ ट्रूथफुलनेस. ट्रूथफुलनेस होता है सच्चाई. सच्चाई की वैल्यू जो है, जो मनुष्यों को सच्चाई का रास्ता होता है, ओके, तो सच्चाई की जो वैल्यू है उसको वो सीखना चाहते हैं. ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस की वैल्यू को सीखना चाहते हैं. ओके, दे वॉन्ट टू लर्न द वैल्यूज ऑफ ट्रूथफुलनेस. द चिल्ड्रन वॉन्ट टू लर्न द वैल्यूज ऑफ ट्रूथफुलनेस. दैट इज इनसेपरेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस. और वो वैल्यू जो कि नेशंस के अस्तित्व के लिए इनसेपरेबल हैं, सेपरेट नहीं की जा सकती. अगर ये वैल्यूज नहीं रहेंगी तो नेशंस का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. राष्ट्र जो हैं वो, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, वो मिट जाएंगे. तो एक राष्ट्र तभी उन्नति करता है, तभी उसकी एग्जिस्टेंस बनी रह सकती है, अगर उसके जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो ट्रूथफुल हों, सच्चाई का रास्ता अपनाते हों, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हों. तो ये बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन ऑफ द नेशन, दे वॉन्ट टू लर्न द वैल्यू ऑफ ट्रूथफुलनेस दैट इज इनसेपरेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस. दे वॉन्ट टू बी फर्म एंड फोकस्ड. और वो फर्म, दृढ़ बने रहना चाहते हैं, स्ट्रांग बने रहना चाहते हैं, एंड फोकस्ड, और अपने जो उनके लक्ष्य हैं उस पर केंद्रित रहना चाहते हैं. तो वो चाहते हैं कि वो अपने लक्ष्य से कभी ना डगमगाएं, कभी भी वो अपने लक्ष्य से इधर उधर ना भटकें. दिस वॉज स्टैंजा नंबर 3. नाउ इन स्टैंजा नंबर 4, द चिल्ड्रन वॉन्ट टू लीड अ कंट्रोल्ड लाइफ विद क्लीन कॉन्शंस. कॉन्शंस का मीनिंग देखिए सबसे पहले. इस वर्ड की प्रोनंसिएशन क्या होती है? कॉन्शंस, सी ओ एन कॉन है, और उसके बाद एस सी आई ई एन सी, साइंस वाली स्पेलिंग है, बट साइंस वाली प्रोनंसिएशन नहीं है. ओके, प्रोनंसिएशन है कॉन्शंस, लिखा भी है यहाँ पे कॉन्शंस. ओके, तो कॉन्शंस का मीनिंग होता है अंतरात्मा, हमारी इनर स्पिरिट, हमारी इनर सोल, हमारा मन. ओके, तो चिल्ड्रन क्या चाहते हैं? दे वॉन्ट टू लीड, लीड मीन्स जीना. दे वॉन्ट टू लिव अ कंट्रोल्ड लाइफ, लाइफ को, अपनी लाइफ पर कंट्रोल चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं. एंड क्लीन, विद क्लीन कॉन्शियंस, अपने अंतरात्मा को पवित्र रखना चाहते हैं, साफ सुथरा रखना चाहते हैं, अपने मन पर कोई बोझ या कोई मैल नहीं रखना चाहते, दूसरों के लिए इल विल. इल विल होता है दुर्भावना, दुर्भावना नहीं रखना चाहती. दे वॉन्ट टू बी रेडी टू मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर देयर मदरलैंड. और वो चाहते हैं कि वो अपनी मदरलैंड के लिए कभी भी कोई भी सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस होता है बलिदान या त्याग, कोई भी सेक्रीफाइस करने में कभी भी ना हिचकें, कभी भी पीछे ना हटें कोई भी सेक्रीफाइस करने से. चिल्ड्रन वॉन्ट टू लीड अ कंट्रोल्ड लाइफ विद क्लीन कॉन्शियंस. And they want to be ready to make any sacrifice for the sake of their motherland. अपनी motherland की खातिर, sake, S-A-K-E, for the sake of their motherland या for their motherland. This was stanza number 1, 2, 3 and 4. Now, come to stanza number 5. Stanza number 5. The children want God to judge their actions and deeds. बच्चे चाहते हैं कि गॉड उनके एक्शंस या उनके कार्यों को, डीड्स, ठीक है, उनके कार्यों को जज करने के लिए गॉड ही हो, सिर्फ गॉड ही जजमेंट करे कि उनके कार्य कैसे हैं, अच्छा काम किया उन्होंने या बुरा काम किया, गुड डीड्स किए या बैड डीड्स किए. तो इसकी जजमेंट गॉड ही करे, भगवान की नज़रों में सही रहना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू मूव अहेड इन लाइफ कॉन्फिडेंटली, अपने जीवन में कॉन्फिडेंटली, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, विदाउट द फियर और फेवर ऑफ द क्राउड. और लोगों की भीड़ जो है वो क्या कहेगी, उनका डर या उनके फेवर, फेवर मींस उनको अपने पक्ष में करने की बात उनके मन में नहीं आनी चाहिए. वो जो भी करे उनके कार्यों को भगवान खुद जज करे कि वो सही हैं या गलत हैं. उन्हें भीड़ की, लोगों की परवाह ना हो, कि ना लोगों का डर हो, ना उनकी परवाह हो कि वो लोग क्या कहेंगे और
हमारे कार्यों को अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। इस तरह से ये बच्चे द चिल्ड्रन ऑफ द नेशन दे वॉन्ट टू मूव अहेड इन लाइफ कॉन्फिडेंटली विदाउट द फियर और फेवर ऑफ द क्राउड। स्टैंजा नंबर 6, द चिल्ड्रन वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मजबूत बनना चाहते हैं, स्ट्रेंथ पाना चाहते हैं, ताकत पाना चाहते हैं, बट नॉट टू हर्ट द वीक बाय एनी मीन्स। एनी मीन्स मीन्स किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स किसी भी तरीके से वो किसी वीक पर्सन को, कमज़ोर व्यक्ति को हर्ट नहीं करना चाहते, चोट नहीं पहुंचाना चाहते। स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं लेकिन किसी वीक पर्सन को हर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहते। दे वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग सो दैट दे कैन कम्फर्ट द डिस्ट्रेस्ड पीपल। वो स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वो मुसीबत में पड़े हुए लोगों को कम्फर्ट दे सकें, उनको आराम दे सकें, उनकी भलाई के लिए कुछ काम कर सकें। नाउ कम टू स्टैंजा नंबर 7, द चिल्ड्रन वॉन्ट टू लर्न टू सीक हैप्पीनेस इन सिंप्लिसिटी एंड नोबिलिटी। सीक का मीनिंग गिवन है फाइंड या गेट, सीक ढूंढना पाना। बच्चे चाहते हैं कि वो छोटी छोटी बातों में सिंप्लिसिटी और नोबिलिटी, नोबल मीन्स जो अच्छे विचारों वाले होते हैं और सिंपल होते हैं, उस सिंप्लिसिटी और नोबिलिटी में ही उनको खुशी मिले। खुशी ढूंढना चाहते हैं वो भी सिंपल रहकर और नोबल विचारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, सुविचारों के साथ। दे डोंट वॉन्ट टू हैव एनी बिटर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। अपने जीवन में कोई कड़वे अनुभव नहीं लाना चाहते। बिटर एक्सपीरियंसेस, कड़वी यादें या कड़वे अनुभव के कुछ किया और उसका रिजल्ट्स बहुत बुरा हुआ, ऐसी बातें वो नहीं चाहते। दे डोंट वॉन्ट टू हैव एनी बिटर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। दे वॉन्ट टू लर्न द वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस। वो दूसरों को माफ़ करने की जो वैल्यू होती है, एक गुड वैल्यू, एक गुड क्वालिटी आती है हमारी लाइफ में कि हम दूसरों को माफ़ कर सकें। प्रेयर में कहा भी गया है भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ़ कर सकें, खुद पे हौसला रखें, सच का दम भरें। आपने ये प्रेयर सुनी है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो ये पूरी पोएम उसी प्रेयर सॉन्ग से इंस्पायर्ड लगती है और उसमें भी वही वैल्यू ऑफ ट्रूथफुलनेस, सच का दम भरें, कॉन्फिडेंटली वॉक करें, स्ट्रॉन्ग बने, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं, दूसरों से भूल हो जाए तो उनको माफ़ कर सकें, अपने मन से भेदभाव को साफ कर सकें। तो ये सारी वैल्यूज़ उसी सॉन्ग से, उसी प्रेयर सॉन्ग से रिलेटेड लगती हैं। दे वॉन्ट टू लर्न द वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस। दूसरों को माफ़ करना सीखना चाहती हैं। दे वॉन्ट टू लर्न टू फॉरगिव अदर्स फॉर देयर मिस डीड्स। अगर दूसरों ने कोई गलत काम भी किया है तो भी वो उनको माफ़ कर देना चाहते हैं एंड लव ऑल मैनकाइंड, और पूरी मानव जाति को प्यार करना चाहते हैं। किसी के मिस डीड्स, बुरे कार्यों को भी वो फॉरगिव करना, माफ़ कर देना चाहते हैं, फॉरगिवनेस की वैल्यू सीखना चाहते हैं कि उन्हें माफ़ करना आ जाए, क्षमा की भावना, क्षमा कर देना, किसी से भूल हो जाए तो उसको क्षमा कर सके, ये वैल्यू सीखना चाहते हैं। स्टैंजा नंबर 8, दिस इज़ द लास्ट स्टैंजा। इन द लास्ट स्टैंजा द चिल्ड्रन इनवोक देयर मदरलैंड, अपनी मदरलैंड को पुकारती हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टैंजा में भी मदरलैंड को पुकारा, उसके बाद उन्होंने गॉड को पुकारा और अब लास्ट लाइन में फिर मदरलैंड को लास्ट स्टैंजा में पुकारते हैं और अपनी मदरलैंड को कहते हैं एंड कॉल हर द लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राइड। और उसको कहते हैं कि आप हमारे जन्म भूमि हो, आप हमारे विश्वास की भूमि हो, हमें आप पर विश्वास है और आप हमारा गर्व हो, हमें आप पर अभिमान है, हमें गर्व है कि हम आप इस जन्मभूमि में पैदा हुए हैं, हमें गर्व है कि हम इस देश के नागरिक हैं। तो अपनी मदरलैंड को पुकारते हैं और उसको लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राइड कहते हैं। दे रिमेंबर द सेक्रीफाइसेस ऑफ देयर फोर फादर्स मेड फॉर हर। हर यहाँ पर मदरलैंड के लिए यूज़ हुआ है। वो याद करते हैं कि उनके फोर फादर्स ने, फोर फादर्स होते हैं एनसेस्टर्स, पूर्वज, कि उनके
पुरखों ने, उनके पूर्वजों ने किस तरह से मातृभूमि के लिए बलिदान दिए थे, वो उन बलिदानों को याद करते हैं। एंड प्लेज टू डिवोट देयर हेड हार्ट एंड हैंड फॉर हर थ्रू आउट देयर लाइफ, और प्लेज करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि वो डिवोट कर देंगे, समर्पित कर देंगे अपने हेड को। यहाँ हेड जो है बॉडी पार्ट है, हार्ट और हैंड बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन इनको मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। यहाँ पर यूज़ ऑफ मेटाफर है, क्या मेटाफर है, हेड कहा तो गया है सिर को, लेकिन यहाँ पर हेड किसके लिए यूज़ किया गया है, हमारे थॉट्स के लिए। हमारे सिर में हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में हमारे विचार होते हैं, तो हमारे थॉट्स। हार्ट यहाँ पर हमारी इमोशंस के लिए यूज़ किया गया है, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने सेंटिमेंट्स, भावनाओं को। और अपने हैंड, हैंड यहाँ पर हार्डवर्क के लिए यूज़ किया गया है, और अपने हार्डवर्क को मदरलैंड के लिए डिवोट करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं फॉर हर थ्रू आउट देयर लाइफ, अपने पूरा जीवन, जीवन भर वो अपनी मदरलैंड के लिए ही सोचेंगे, उसके लिए ही महसूस करेंगे, उनकी इमोशंस होंगी, और उसके लिए ही अपनी मदरलैंड के लिए ही हार्ड वर्क करेंगे। दे वॉन्ट टू डिवोट देयर हेड हार्ट एंड हैंड थ्रू आउट देयर लाइफ। दिस इज द स्टैंजा नंबर 8। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। सी क्वेश्चन नंबर 1। द चिल्ड्रंस सॉन्ग हैज़ अ डेफिनेट मैसेज फॉर द पीपल ऑफ एवरी कंट्री। हर देश के नागरिक के लिए एक मैसेज है। इन एवरी एज, और हर युग में, यहाँ एज उम्र के लिए नहीं है, आयु नहीं है, एज यहाँ पर है युग। चाहे कोई सा भी युग आ जाए, कोई सा भी समय आ जाए, हर समय में, हर युग में, हर एक देश के लिए, के लोगों के लिए एक मैसेज देती है। ये एक डेफिनेट मैसेज है चिल्ड्रन सॉन्ग इस पोएम में। तो व्हाट इज़ दैट मैसेज, वो मैसेज क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, ये पोएम क्या कहती है कि हमको मन की शक्ति देना, ताकि हम अपने मन को विजय कर सकें, ओके, और दूसरों की जय से पहले खुद की जय कर सकें, ओके। तो उसी प्रेयर के अकॉर्डिंग द चिल्ड्रन सॉन्ग इज़ अ पोएम विद अ यूनिवर्सल अपील। पूरे विश्व में एक अपील, एक रिक्वेस्ट करते हैं चिल्ड्रन सॉन्ग इस पोएम के थ्रू। एक रिक्वेस्ट की गई है, एक प्रॉमिस किया गया है, एक पुकार की गई है। इट कन्वेज अ पैट्रियोटिक मैसेज, देशभक्ति का एक संदेश देती है ये पोएम। देशभक्ति से ओत प्रोत एक कविता है, भरी हुई है देशभक्ति की भावना से। द मैसेज इज दैट इन ऑर्डर टू सर्व द मदरलैंड, इन ऑर्डर टू का मतलब भी टू होता है, ठीक है, अपनी मदरलैंड की सेवा के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्व द मदरलैंड, मदरलैंड मातृभूमि की सेवा के लिए, विद ऑल जील एंड जेस्ट, पूरे जोश खरोश से। जील एंड जेस्ट होता है पूरे एंथुजियाज्म के साथ, दोनों वर्ड्स इकट्ठे यूज़ होते हैं, जील एंड जेस्ट, और सेपरेटली भी अगर यूज़ हो, इनका मीनिंग होता है एंथुजियाज्म, जोश, ठीक है, वार्म एंथुजियाज्म, पूरे जोश के साथ अपनी मदरलैंड की सेवा करने के लिए। वन नीड्स टू बी अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा, विद ऑल वर्चूज़, सारे गुण होने चाहिए उसमें, सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सारी क्वालिटीज़ वाला एक ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा अगर पूरे जोश के साथ अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। ये संदेश इस पोएम में दिया गया है। ओनली अ पर्सन विद ग्रेट मॉरल कैरेक्टर कैन फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विंग द मदरलैंड सिंसियरली। अगर हमारे कैरेक्टर में मॉरल वैल्यूज़ होंगी, ग्रेट मॉरल कैरेक्टर होगा हमारा, ठीक है, तभी हम अपने मातृभूमि के प्रति पूरे सिंसियरिटी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर सकेंगे, मातृभूमि की सर्विस कर सकेंगे, फॉर द सर्विस ऑफ मदरलैंड सिंसियरली, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी कंफर्ट अ मैन इन डिस्ट्रेस। मुसीबत में कोई मनुष्य है तो उसको कैसे हम कंफर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको सांत्वना दे सकते हैं, कैसे उसको हम संभाल सकते हैं।
अ मैन इन डिस्ट्रेस नीड्स अवर कंपैशन। अगर कोई मुसीबत में है, अगर कोई तकलीफ में है, बहुत बुरी हालत है किसी की, तो वो हमारे कंपैशन चाहता है। कंपैशन ऐसी फीलिंग होती है जो हमें दूसरों को दुखी देखकर हम उसके दुख को समझ सकें कि वो क्या कहना, वो क्या कैसा फील कर रहा होगा। इस फीलिंग को कंपैशन कहते हैं। ओके, एक डिस्ट्रेस में पड़ा हुआ व्यक्ति हमारी कंपैशन चाहता है, हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है और हमारे चाहता है कि हम भी उसके दुख को महसूस कर सकें। हमारी सिंपथी, हमारी सहानुभूति उसके साथ होनी चाहिए, हमारी सहानुभूति चाहता है। एंड एम्पैथी, एम्पैथी का मीनिंग भी है कि हम उसकी फीलिंग्स को, उसके दुख दर्द को समझ सकें। ओके, अ मैन इन डिस्ट्रेस नीड्स आवर कंपैशन, सिंपथी एंड एम्पैथी। इफ वी हैव दीज क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, अगर चरित्र की ये विशेषताएं हमारे अंदर हैं, अगर हमारे हम कंपैशनेट हैं, अगर हमारे अंदर कंपैशन है, सिंपैथेटिक हैं हम लोग, अगर सिंपथी है या एम्पैथेटिक हैं, हमारे अंदर एम्पैथी है, वी कैन प्रोवाइड कम्फर्ट एंड सोलेस टू अ मैन इन डिस्ट्रेस। तभी हम मुसीबत में पड़े हुए दुखी व्यक्ति के दुख में उसको कम्फर्ट, सांत्वना दे पाएंगे और सोलेस, उसको सहानुभूति, उसको सांत्वना दे पाएंगे, उसको कह सकेंगे कि घबराओ मत, बहुत जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इसको कहते हैं सोलेस। इन अदर वर्ड्स, या हम ये भी कह सकते हैं, इफ़ वी पोजेस इनर स्ट्रेंथ, अगर हमारे अंदर आंतरिक शक्ति है, मन की शक्ति है, और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, या हमारा चरित्र स्ट्रॉन्ग है, हमारे अंदर चारित्रिक विशेषताएं हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वी कैन कम्फर्ट अ मैन इन डिस्ट्रेस। तो हम मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, उसको कम्फर्ट दे सकते हैं, उसको हम शांति प्रदान करवा सकते हैं। कम्फर्ट का मीनिंग है उसको राहत दे सकते हैं। So these are the questions of this poem. Along with these questions, you should go through the extract based questions that have been written in your notebook. Okay?